हाय व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोटेक मेन लाइन स्टेबलाइज़र की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही इसका इंस्टॉलेशन भी करने वाले हैं। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो माइक्रोटेक का मेन लाइन स्टेबलाइज़र है, इसका वर्किंग ऐसा है, अगर मेन लाइन के अंदर आपका 90 वोल्टेज भी अगर आ जाए तो ये 230-240 स्टेबल करके आगे भेज देता है, और अगर मैक्सिमम 300 वोल्टेज भी अगर मेन लाइन में आपके आ जाए तो ये इसको माइनस करके 230 या 240 जो हमको रेगुलरली वोल्टेज लगता है वो उतना प्रोवाइड करता है। आउटपुट में हमारी मेन लाइन का इनपुट करंट कम या ज़्यादा हो जाए तो ये स्टेबलाइज़र इसको मेंटेन रखता है। आउटपुट में हमको जितना चाहिए, जैसे 230 से 240 के दरमियान में, तो ये इतना बराबर वोल्टेज करके देता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूपीएस सिस्टम है वो ख़राब भी नहीं होता और वो रेगुलरली काम करता रहता है। ये हमारे जो यूपीएस है 3.5 KV का, 5 KV का, तो इसके लिए ये स्टेबलाइज़र बहुत ही काम का है, इसके प्रोटेक्शन के लिए और इसके वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए। यह है हमारा माइक्रोटेक का यूपीएस सिस्टम जो कि 3.5 KV का है। इसके साथ लुमिनस की 3 बैटरीज 150 mAh की लगी हुई है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको इसके वोल्टेज मेंटेन रहने के लिए हम जो है तो स्टेबलाइज़र लगाने वाले हैं। तो देखते हैं इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। यह हमारी यूपीएस सिस्टम की बैक साइड की कनेक्टर स्ट्रिप है, जिसके अंदर ये पहले 3 टर्मिनल, जो पहले 3 कॉन्टैक्ट हैं जिसके अंदर ब्लू वायर लगा है, वो मेन लाइन का न्यूट्रल है, और जो येलो वायर है वो ज़मीन अर्थिंग के लिए है, और जो रेड है मेन लाइन का वो फेस है। ये इनपुट करंट है जो हमारा मेन लाइन से आता है। उसके बाजू के जो 2 कॉन्टैक्ट हैं वो आउटपुट न्यूट्रल और आउटपुट लाइन के 2 टर्मिनल हैं, जो कि जो बैटरीज का करंट है वो एमसीबी बॉक्स में और हमारे पूरे घर में या शॉप के अंदर जो लेकर जाने के लिए होते हैं। इसके बाजू जो 3 कॉन्टैक्ट बचे हुए हैं वो आउटपुट एसी के हैं, जो हमारे घर के अंदर या दुकान के अंदर जो एयर कंडीशनर होता है एसी, वो उसके आउटपुट के हैं। उसके डायरेक्ट वायर यहाँ पर लगते हैं, न्यूट्रल लाइन और ज़मीन अर्थ। ये जो 2 वायर्स हैं रेड और ब्लैक, ये प्लस और माइनस के वायर्स हैं जो कि बैटरी के कनेक्शन के लिए जा रहे हैं। बैटरी के कनेक्शन हमको सीरीज़ में करना है दोस्तों, ये इस तरीके से हम बैटरी के हमको कनेक्शन करना है। हमारे स्टेबलाइज़र के सामने से एक एमसीबी स्विच है, उसके अलावा एक छोटा सा डिस्प्ले है जो कि वोल्टेज शो करता है इनपुट और आउटपुट। उसके बाजू एक छोटा सा बटन है जिसको प्रेस करके रखने से डिस्प्ले पर आउटपुट वोल्टेज कितना जा रहा है वो शो करता है। इसके बैक साइड से एक एमसीबी स्विच दिया हुआ है बाईपास करने के लिए, और इसके पीछे एक पीवीसी का एक कवर लगा हुआ है जो कि इनपुट आउटपुट के जो टर्मिनल है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको डायरेक्ट किसी का हाथ न लग जाए इसके प्रोटेक्शन के लिए एक जो है तो प्लास्टिक का कवर दिया है कंपनी ने। तो हम इस प्लास्टिक कवर को खोल देते हैं कनेक्शन करने के लिए। ये देखिए, ये कवर के पीछे 4 कॉन्टैक्ट है वायर्स लगाने के लिए, 2 इनपुट न्यूट्रल लाइन का है और 2 आउटपुट न्यूट्रल लाइन का है, और बीच वाली जो छोटा सा है वो ज़मीन अर्थिंग के लिए है। इसके कनेक्शन इनपुट और आउटपुट, ये हमारे जो प्लास्टिक का कवर है इसके ऊपर भी जो है कंपनी ने लिख कर दिया है कि इनपुट कहाँ पर लगाना है और आउटपुट कहाँ पर लगाना है। हमारा जो मेन लाइन का बोर्ड है, ये जो फाइन वन है, ये यूपीएस सिस्टम को चार्ज करने के लिए हमको ये इसका जो सप्लाई है वो डायरेक्टली सबसे पहले हमारे स्टेबलाइज़र में जो है तो इनपुट करना है, और स्टेबलाइज़र का जो आउटपुट है वो यूपीएस सिस्टम के बैक साइड वाली जो मेन लाइन की स्ट्रिप कनेक्शन है वहाँ पर लगा देना है। तो चलिए हम
ये कनेक्शन हमारे यूपीएस सिस्टम के जो पहले से लगे हुए हैं उसको खोल देते हैं, क्योंकि ये पहले डायरेक्ट ही हमने लगाया हुआ था यूपीएस सिस्टम, स्टेबलाइज़र नहीं था इसलिए डायरेक्ट ही लगाया था, लेकिन अब वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाने वाले हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र हम यूपीएस सिस्टम के बाजू वाले जो खाना है उसके अंदर लगाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये जो प्लाईवुड का जो ये खाना बनाया हुआ है तो हम इसके अंदर वायर के लिए एक आर पार होल कर देते हैं और उसमें से वायर लेकर इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन जोड़ देते हैं। हमारे स्टेबलाइज़र के बैक साइड में जो मेन लाइन इनपुट के जो दो टर्मिनल है उसके अंदर हम जो हमारा मेन लाइन का फाइन वन से कनेक्शन आया हुआ है 3 पिन टॉप से, तो वो इनपुट इसके अंदर कर देते हैं। ये ब्लू कलर न्यूट्रल है और रेड कलर लाइन है वो यहाँ पर लगा देते हैं, और जो बीच वाली जो बॉडी से लगा हुआ नट है उसके अंदर ज़मीन अर्थिंग का वायर लगा देते हैं। ये हमने मेन लाइन इनपुट न्यूट्रल फेस और ज़मीन अर्थिंग स्टेबलाइज़र में लगा दिया है फाइन वन के थ्रू से। अब हम स्टेबलाइज़र के आउटपुट से न्यूट्रल लाइन और ज़मीन अर्थिंग कनेक्शन करके यूपीएस के जो बैक साइड का जो टर्मिनल है जिसके अंदर मेन लाइन इनपुट करना है उसके अंदर न्यूट्रल लाइन और ज़मीन अर्थिंग इनपुट करने वाले हैं। हमने अपना मेन लाइन स्टेबलाइज़र इंस्टॉल कर दिया है, अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। हमारा स्टेबलाइज़र 5-4 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इनपुट वोल्टेज 238 वोल्ट बता रहा है जो कि इनपुट करंट है हमारा। इस बटन को प्रेस करके रखने से हमको आउटपुट वोल्टेज का पता लगेगा। ये देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज 237 बता रहा है। डिस्प्ले पर जो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो शो होता है वोल्टेज वो मेन लाइन का वोल्टेज रहता है कि आपकी मेन लाइन के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, और बटन को कुछ सेकंड प्रेस करके रखने पर पता चलता है, डिस्प्ले पर शो करता है कि कितना आउटपुट जा रहा है।